कैसा हो रहा? वाह, कैस द रेन प्रोग्राम का ना जी बोल ला डाल दी ना मैं कह रही हूँ महिलाएं बहुत होशियार होती हैं। हेलो तो घड़ियों पहला कैसे हैं आप सभी लोग। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो हम निकल चुके हैं आंगनबाड़ी के लिए। बेटा हाय बोल दो, जय भी बोलो। जय कौन बोलेगा फिर? जय कौन बोलेगा? जय भी तो बोलना है। एडवांस हो गई है। ये बी बना दिया। ये क्या बनाया? इतना अच्छा बना दिया। इतना ध्यान लगा के कर रही है जैसे कि इसी को बताए। और लिखो इसमें। तो यहाँ पे यहाँ दुग्ध वितरण हो रहा है जो कि प्राइमरी में ये भी एक मध्याह्न भोजन के तहत ही हुआ ना ये भी। दूध भी बांटा जाता है। बच्चे खुश। कैसा हो रहा? वाव, यम्मी यम्मी हो रहा। ये यहाँ का दूध कैसे पीती है कह रही हूँ? ले पी, उसने पी दिया, तू पी, पी लो पी लो। क्या हुआ तेरे को? क्यों रो रहा है बेटा? ये देखो क्या हुआ। अरे वो तो वैसे ही जैसे लग रहे हैं, वो दांत जैसे तो ना लग रहे हैं। हेलो दगड़ियो, तो हम चल दिए हैं प्रोग्राम में। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कैच द रेन प्रोग्राम का, प्रोग्राम की जो थीम है। यहाँ पे ये लोग खंतियाँ टाइप की खंत रहे हैं शायद रेन को कैच करने के लिए। चलिए देखते हैं, जानते हैं इनसे। यहाँ पे स्वागत के लिए पधार चुके हैं हमारी मैडम। मैडम भी आई हुई है। सब लोग यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं, बस गेस्ट का आने का इंतजार है। अभी वो तो वहाँ से आ रहे हैं, बस पाताल भुवनेश्वर से आ गए। बोलो हो गए तुम तैयार? ये लोग तैयार हो गए हैं स्वागत के लिए, और मेहमान अभी पहुंचे नहीं है। ये सब लोग तैयार हो चुके हैं लेकिन मेहमान एक ही आने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ना खा ली उनको जी बुंदा डाल दी ना कि अच्छा बहुत मजा ना ना जी बुंदा डाल दी ना कि बीज भी जानो। आप लोग मैम बहुत देर से छुटकी वही तो से सब आए थे। इतनी नन्हे उम्र में तब कैसे कर दिन होता 30 साल से नन्हे हाँ मीटिंग शिविर में हो अलग कौन करेगा? जजौली में थी कभी मैडम, जजौली में आधे रहा था। हाँ वही तो हाल में तो कोई गए थे थी ना, मैं वही तो थी समूह वाले। हमको पता कैसे हुआ? ये मैम दूसरी साइड में, हाँ इसमें शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है जी। इसके लिए मैम ये प्रोसेस कर रही आज हम आपको मिलाते हैं अपनी। अभी देर नहीं हो रही है इसके लिए। उमा वर्मा जी से वो कुछ कहना चाह रही है कि महिलाओं के बारे में। मैं कह रही हूँ महिलाएं बहुत होशियार होती हैं, शादी से पहले बहुत इंतजार करती हैं, शादी के बाद वो इसलिए बेवकूफ़ कहलाती हैं क्योंकि आधा दिमाग आदमी खा जाता है, आधा दिमाग बच्चे। तो शादी थोड़ा लेट ही लाट करना, 30-32 के आसपास पर दिमाग संतुलन बनाए रखेंगे। वैसे हमारे तो बहुत होशियार होती है, बहुत तेज होती है। चलो आज मैडम थोड़ा सा डालूंगी, ठीक है ना? हाँ
या मेरा नंबर उनको शेयर कर देना, कभी उनका नंबर भी तो चाहिए होता है। तो ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है और हम निकल चुके हैं यहाँ से। और दिखाते हैं अपने पीछे का व्यू, देखना अट्रैक्ट करती है ये लोकेशन। हमारी लाडू, हाय, ये हमारी लाडू की गुड़िया कौन है? लाडू की लड्डू। टुडेज आउटफिट, लाडू की लड्डू को दिखा। हाँ चलिए फिर दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं तक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय माँ काली।